¡Memory Colón! यहाँ की सफाई खत्म हुई, अब मुझे ऊपर जाकर सीढ़ियाँ साफ करनी है। नोबिता, अच्छा हुआ कि तुम मुझे घर पर ही मिल गए। मैं तुम्हारा कमरा साफ करने जा रही हूँ, मेरी मदद करो। हमेशा काम के लिए मुंह बनाना अच्छा नहीं होता। डोरेमोन उठो। पहले तुम्हारी अलमारी साफ करेंगे, तुमने न जाने क्या क्या कबाड़ा भर रखा होगा उसमें। कितनी गंदगी है यहाँ। इन पुराने खिलौनों की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैंने शिज़ुका से वादा किया था कि हम होमवर्क साथ में करेंगे, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूंगी क्या क्या फेंकना है। बाल बाल बचे, मैं घर की सफाई बिल्कुल नहीं करना चाहता था। मैं चला शिज़ुका के पास। नहीं, इस डॉल को कुछ मत करो, प्लीज इसे छोड़ दो। शिज़ुका जरा ध्यान से, इससे बच के रहना। नोबिता, इस डॉल को बचा लो प्लीज, जल्दी कुछ करो नोबिता। क्या मैं? नोबिता कुछ करो ना जल्दी। तो ठीक है। हे सुनो, इस डॉल को छोड़ दो। कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? मैं बहुत खुश हूँ, तुमने इसे बचाकर बहुत अच्छा किया है नोबिता। कोई बात नहीं शिज़ुका। ये ठीक हो गई है, मैं खुश हूँ। पक्का ये किसी की लाडली डॉल रही होगी, देखो अब ये कितनी खुश लग रही है। शिज़ुका, ये डॉल तो सच में बहुत खुश लग रही है। हाँ तुमने सही कहा, ये डॉल जिसकी भी होगी उसे इसकी बहुत चिंता हो रही होगी। काश कि हम इसे इसके घर पहुँचा सकते नोबिता। लेकिन इस डॉल के ऊपर किसी का भी नाम नहीं है शिज़ुका। जानती हूँ, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से ये सब हुआ। क्या हमारी मदद के लिए तुम्हारे पास कोई गैजेट है? नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता डोरेमोन, जल्दी से कुछ बाहर निकालो। क्या तुम्हें शिज़ुका की फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं है? ये डॉल को इसके सही मालिक के पास पहुंचाना चाहती है। क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? वो मैं असल में समझ गया, तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं जानता था डोरेमोन कि तुम इतने बुरे हो, तुम सच में बुरे हो, बुरे बुरे बुरे। अरे नोबिता, लेकिन मेरे पास सच में कुछ नहीं है। तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? कुछ ढूंढता हूँ जिससे थोड़ी मदद मिल सके शिज़ुका। स्पिरिट कोलोन। तुमने कर दिखाया, मैं जानता था कि तुम्हारे पास कुछ होगा। तुम तो बहुत मतलबी दोस्त हो। इसे डॉल पर लगाने से हम देख सकते हैं कि ये कैसा फील कर रही है। ये कैसा फील कर रहे हैं? शिज़ुका, तुम डॉल को नीचे रख दो। ठीक है। तैयार हो? बस तुम डॉल को देखते जाओ। मिस डॉल, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे, फिक्र मत करो। नोबिता, ये तो कमाल हो गया, ये घर जाना चाहती है। चलो इसका घर ढूंढे। हाँ चलो चले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके घर का रास्ता हमें कैसे मिलेगा। बस तुम किसी भी रास्ते पर चलते जाओ। पता है अगर हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो? देखो ये थोड़ी परेशान लग रही है, और इसी तरह अगर हम कोई गलत रास्ता चुन लेंगे तो ये डॉल हमें बता देगी। वाह, चलो इस रास्ते पर चलकर देखते हैं।
देखो ये हंस रही है। बस हमें हर मोड़ पर इस डॉल को देखना है और आखिर में हम इसके असली घर पहुंच ही जाएंगे। उफ, ये क्या मुसीबत है डोरेमोन। जब तक के हम इसके मालिक को नहीं ढूंढ लेते चलते चलो। मुझे नहीं लगता कि ये रास्ता होगा। जहाँ से हमने शुरू किया था हमें वही दोबारा जाना चाहिए। ठीक है। काफी अंधेरा हो गया है शिजुका, अब हम इस डॉल का घर कल सुबह ढूंढेंगे। क्या तुमने हार मान ली है? मैं रुकना नहीं चाहती हूँ। यो चैन, नहाने का टाइम हो गया है। ठीक है मम्मा। चलो जल्दी चलो। सुनो नोबिता, डोरेमोन हमें इसका घर ढूंढते रहना चाहिए। कभी मेरे पास भी ऐसी ही एक डॉल हुआ करती थी। उसका नाम था हानाको और उसे मैं बहुत प्यार करती थी। सोते जागते चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, हम हमेशा साथ में रहा करते थे। लेकिन एक बार मैं जब उसे ट्रिप पर लेकर गई तो वो कहीं खो गई। तब से लेकर उसे आज तक मैं ढूंढ ही रही हूँ। इसलिए मैं तुम दोनों से कह रही थी कि हमें इसके असली मालिक तक इसे पहुंचाना ही होगा, किसी भी हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। हम थोड़ी देर और देखते हैं। तुम खुश नहीं हो डॉल? मुझे लगता है हम पास ही हैं। हाँ अरे नोबिता और डोरेमोन जल्दी से इधर आ जाओ। इतना बड़ा घर, मुझे लगता है इस डॉल का घर यही है। आखिरकार हमने इसका घर ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। पर मैं सोच रहा हूँ कि इस डॉल का मालिक किस तरह का होगा। मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत खुश होगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब अंदर चलते हैं। हाँ, नहीं चाहिए। आखिर मैं इसे फेंक चुकी हूँ, ये पुरानी और गंदी हो गई है ना। लेकिन सच बताओ, क्या तुम इस डॉल को पसंद नहीं करती? बोलो। हाँ पहले करती थी, लेकिन अब मुझे बहुत सारी नई डॉल्स मिल गई हैं, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। समझ गई तुम? मिकी, खाने का टाइम हो गया है बेटा। अभी आई। कितनी घमंडी है ये लड़की। हम इतनी मुसीबतों के बाद इसे वापस छोड़ने के लिए आए थे। अब हम इस डॉल का क्या करें शिजुका? इसे मैं ले जाती हूँ। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी शिजुका। सही कहा। घर वापस जाना चाहती हो? चुप हो जाओ। क्या हम कुछ नहीं कर सकते डोरेमोन? मैं ट्राई करके देख सकता हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं कितनी खुश थी जब डैडी ने मुझे ये डॉल दी थी। मुझे याद है, उस दिन मैं बहुत खुश थी। क्या ये सपना था? जो यादें इस डॉल के अंदर बंद हैं, अब वो यादें इस डॉल से सीधा उस लड़की के पास जा रही हैं। तो है, जब मुझे वो डॉल मिली
मैं अच्छी तरह से अपने आप सो सकती थी और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। चाहे कुछ बुरा भी हो जाता था, माँ चैन के साथ खेलने से सब ठीक हो जाता था। माँ चैन, अरे ये आवाज कैसी है? अरे माँ चैन, मुझे माफ कर दो माँ चैन, मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं फेंकूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सब ठीक हो गया? हाँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, चलो घर चलते हैं। हाँ नोबिता, चलो घर चलकर सोते हैं। शिजुका तुम भी जाओ। ओके नोबिता और डोरेमोन, थैंक यू वेरी मच। वो यहाँ नहीं है, गायब है। बड़ी अजीब बात है। अरे नोबिता, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरे खिलौने वाला जानवर, मेरे किंडरगार्टन के समय का सबसे प्यारा भालू, वो यहाँ नहीं है डोरेमोन। अरे हाँ याद आया नोबिता, मॉम ने कल यहाँ की थोड़ी सफाई की थी। ठीक कहते हो मॉम। तुम्हारी अलमारी में जितनी गंदगी थी मैंने सारी फेंक दी, तुम यहाँ नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा किया। हाँ, आपने उसे फेंक दिया मॉम। मेरा प्यारा भालू जिससे मैं इतना प्यार करता था। मुझे अपनी अलमारी अपने आप साफ करनी चाहिए थी। ये लो। हाँ हाँ मॉम, आपने इसे सिलकर बिल्कुल ठीक कर दिया। थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी हैं। अब तो तुम अपनी अलमारी खुद साफ करोगे ना, बताओ मुझे नोबिता। हाँ, अब से मैं तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल रखूंगा।